दाऊदी वोरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना अली कदर मुफज्जल हुसैन साहब गुरुवार को पहली बार बेटमा आए। यहाँ उन्होंने बोरा समाज की नवनिर्मित मस्जिद का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा, एसडीओपी नीलम कनोज, बेटमा थाना प्रभारी मीणा कर्णावत, क्षेत्रीय विधायक सहित कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी नवनिर्मित मस्जिद के उद्घाटन के साथ साथ धर्म गुरु द्वारा यहाँ धर्म सभा को भी संबोधित किया गया। नगर में नव निर्मित मस्जिद के साथ बोहरा समाज का एक एक घर विद्युत सज्जा से जगमगा रहा था। जानकारी अनुसार धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब गुरुवार को सुबह 10 बजे मुंबई से इंदौर एयरपोर्ट पर आए। एयरपोर्ट से वे बेटमा के लिए रवाना हुए। दोपहर 12:30 बजे स्थानीय बोहरा बाखल स्थित मस्जिद आए, जहां नवनिर्मित मस्जिद का उद्घाटन किया। उनके स्वागत और सम्मान में बोहरा बाखल प्रवेश द्वार से लेकर मस्जिद के मुख्य द्वार तक करीब 150 फीट लंबा लाल कारपेट लगाकर ऊंचा रैप बनाया गया था, जिस पर चलते हुए धर्मगुरु मस्जिद के मुख्य द्वार पर जाकर उसका ताला खोलकर उद्घाटन किया और मस्जिद के अंदर प्रवेश किया। दोपहर 1 बजे होने वाली जोहर असर की नमाज के बाद सैयदना साहब ने मस्जिद में वाज प्रवचन दिया। इस दौरान उनकी मौजूदगी में 3 जोड़ों का निकाह भी हुआ। वहीं यहां आने वाले मेहमानों को दीदार भी दिया। लगभग 2 घंटे 40 मिनट बेटमा में रहने के बाद वह कुक्षी के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर समाज के महिला पुरुष और बच्चे आसपास के जिलों से अपने धर्म गुरु के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में बेटमा आए थे। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।